नमस्कार बच्चों। नमस्कार फूल कुमारी दीदी। आप क्या गा रहे थे अभी? सुनाओ आपको। हाँ हाँ सुनाओ। ठीक है। हम खीर पूड़ी खाएंगे, हम पटाखे फोड़ेंगे, दीप टिम टिम करेंगे, देखो जी किरण सी लहराई, जब हमने फूलझड़ी चलाई, देखो जी किरण सी लहराई, आई रे आई दिवाली आई। हा हा, बहुत अच्छे, आपने तो दिवाली पर गीत बना दिया। हाँ दीदी, दिवाली जो आने वाली है, तो क्यों ना आज हम दीपावली के त्योहार के बारे में ही बात करें। हाँ बड़ा मजा आएगा, मुझे दीपावली की कहानी पता है, मैं सुनाऊं दीदी? जरूर, क्यों नहीं सुनाओ। दीपावली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपना 14 वर्षों का वनवास समाप्त कर वापस अपने घर अयोध्या पहुँचे थे। तब श्री रामचंद्र जी के स्वागत में अपनी प्रसन्नता मनाने के लिए अपने अपने घरों में दीप जलाकर पूरे नगर को जगमग कर दिया था अयोध्या वासियों ने। तभी से दीपावली के दिन दीप जलाने की परंपरा है। बिल्कुल ठीक, परंतु दीपावली के अलावा इसके आगे पीछे के दिनों को भी त्योहार के दिन माने जाते हैं। क्या आप उन सब के बारे में भी जानना चाहोगे? हाँ हाँ दीदी बताइए ना। तो सुनो, दीपावली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसका उत्सव 5 दिनों तक चलता है और यह हिंदी पांचांग यानी भारतीय कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13वीं तारीख से शुरू हो जाता है। दीपावली की कहानी के साथ एक और बात है जो आपको जरूर मालूम होगी। क्या दीदी? दीपावली की सफाई के बारे में। हाँ, दीपावली के आने की तैयारी में तो हम सबके घर में स्वच्छता अभियान छिड़ जाता है। हर साल दीपावली से पहले हमारे घर में पुताई होती है, सभी सामान साफ कर पुनः संजो कर रख दिए जाते हैं और जो काम के नहीं होते उन्हें हटा दिया जाता है। इस प्रकार दीपावली के आने के पहले हम पूरा घर चकाचक कर देते हैं। फिर धनतेरस के दिन अपने घर में सोने चांदी या किसी भी अन्य धातु की वस्तु लाते हैं और उसे पूजा में रख देते हैं। अच्छा, तो आपको धनतेरस भी मालूम है। यही होता है 5 दिनों के त्योहार का पहला दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तारीख, क्योंकि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर व आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। दीदी, इस दिन इन तीनों देवों की पूजा क्यों होती है? क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे और उनके साथ कई आभूषण व बहुमूल्य रत्न भी समुद्र मंथन से निकले थे। तभी से अमृत प्राप्ति यानी अकाल मृत्यु से छुटकारे व आजीवन अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम मृत्यु देव यमराज व आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी की पूजा करते हैं और अपने जीवन में संपन्नता की भी कामना करते हैं। धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताय सर्वामय। तभी तो इस दिन बर्तन धातु या आभूषण खरीदने की परंपरा है। अच्छा, और फिर धनतेरस के दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 तारीख को छोटी दीपावली आती है ना दीदी? बिल्कुल ठीक, 14वीं तारीख यानी 14। इस दिन को नरक चतुर्दशी, रूप चौदस और काली चौदस भी कहते हैं। इसी दिन एक अत्याचारी असुर जिसका नाम नरकासुर था, उसका वध कर भगवान श्री कृष्ण व उनकी पत्नी सत्यभामा ने 16,100 कन्याओं को उसके बंदीगृह से मुक्त कराया था।
बाद में श्री कृष्ण ने उन सभी कन्याओं से विवाह कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी विवाह के उपलक्ष्य में 14 के दिन दियों की बारात सजाई जाती है। इस दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उपटन एवं स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं व रूप और सौंदर्य में वृद्धि होती है, इसीलिए इसे रूप चौदस भी कहा गया है। इसके अलावा तांत्रिक समुदाय इस दिन विशेष काली पूजन करते हैं, इसलिए इस दिन को काली चौदस भी कहते हैं। दीदी, मेरे मित्र शंकरन स्वामी के घर तो इसी दिन दीपावली मनाई जाती है। अच्छा, तो वो जरूर दक्षिण भारत से होगा। दक्षिण व उत्तर भारत में दीपावली के त्योहारों को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दक्षिण भारत में नरक चौदस का विशेष महत्व है। वहाँ दीपावली के उत्सव का यही सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जबकि उत्तर भारत में नरक चौदस के अगले दिन यानी 15वीं तारीख या कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली की मुख्य रात्रि होती है। तो अब बात करते हैं बड़ी दीपावली यानी दीपावली के पर्व की मुख्य रात्रि की। हाँ, इसी दिन की कहानी तो मैंने सुनाई थी आपको, राम जी के वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने की। बिल्कुल ठीक। इसके अतिरिक्त दीपावली के रात्रि को माँ लक्ष्मी का भी विशेष पूजन होता है। जिस समुद्र मंथन से धनतेरस के दिन अमृत कलश व धन प्रकट हुए थे, वही मंथन कई दिन चला था और अमृत के प्रकट होने के तीसरे दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें हम धन वैभव ऐश्वर्य व सुख समृद्धि की देवी के रूप में पूजते हैं। इसीलिए अमावस की काली अंधियारी रात के अंधकार को दूर कर माँ लक्ष्मी का अपने घरों में स्वागत करने के लिए हम सब दीप जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा। इस दिन घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ कर घर के कोने कोने में दीप लगाकर हमें माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार दीपक अमावस्या के घोर अंधकार को भी हराकर अपने आसपास प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार माँ लक्ष्मी हमारे हर कष्ट व दरिद्रता को दूर कर हमारे जीवन में सुख व समृद्धि के द्वार खोलती हैं। दीदी, ये विधिवत पूजन का क्या मतलब है? मतलब ये कि इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, द्रव्य, आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य एक 4 बत्ती वाला तेल का बड़ा दीपक रखकर उसकी चारों बत्तियों को प्रज्वलित कर इन दीपों की पूजा करनी चाहिए। फिर सभी दीपों को घर के अलग अलग स्थान पर रख पूरे घर को रोशन करना चाहिए और 4 बत्ती वाले दीपक को पूजन स्थल पर ही छोड़ें और यह रात भर जले, इसका ध्यान रखें, ताकि पूरी अमावस्या की रात हमारे घर में अंधकार प्रवेश न कर सके और फिर अगली सुबह हमें स्वादिष्ट अन्नकूट भी तो मिलता है। हाँ, दीपावली का अगला दिन यानी 5 दिन के इस त्योहार का चौथा दिन या कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का पहला दिन, पहले दिन को प्रतिपदा या पड़वा भी कहते हैं। इस दिन गोवर्धन पूजन कर अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गांवों में लोग अपने पालतू गाय बकरी बैल आदि को अच्छे से स्नान करा उन्हें सजाते हैं। फिर गोकुल के गोवर्धन पर्वत का प्रतीक एक छोटा सा पर्वत गाय के गोबर से अपने घरों के आंगन में बनाते हैं और उसका पूजन कर पर्वत को पकवानों का भोग लगाते हैं। यह परंपरा तब से चल रही है जब इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध के कारण हुई मूसलाधार बारिश से गोकुलवासियों को बचाया था। पूछो कैसे? कैसे? अपनी छोटी सी उंगली से कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा, उसकी छांव में गांव वासियों और पशुओं को सुरक्षित किया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा है। और अब बारी है 5वें दिन यानी भाई दूज की। हाँ, आपको तो ये अनुक्रम अच्छे से याद है। बताओ इसे भाई दूज क्यों कहते हैं? सोचता हूँ,
क्योंकि इस दिन भाई को बहन तिलक लगाती है और यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूसरी तारीख को आता है यानी दौज, तो इसलिए भाई दौज। बहुत बढ़िया, बड़े चतुर हो आप तो। पर दीदी, भैया दौज और रक्षाबंधन में क्या फर्क है? राखी के दिन मेरी दीदी मुझे तिलक लगाकर राखी बांधती है और इस दिन तिलक लगाती है। दोनों ही दिन मेरी दीदी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है और फिर मैं उन्हें उपहार देता हूँ। क्या फर्क है सिर्फ राखी बांधने का? दोनों ही त्योहार भाई बहन में प्रेम बढ़ाने वाले त्योहार हैं। बस दोनों के पीछे जुड़ी कहानियाँ अलग अलग हैं। साथ ही रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन को घर बुलाता है, जबकि भाई दौज पर बहन भाई को अपने घर बुलाकर उसे तिलक कर भोजन कराती है। दीदी, रक्षाबंधन की कहानी तो आपने हमें पहले सुनाई थी, भाई दौज की भी कहानी सुनाइए ना। हाँ, क्यों नहीं, सुनो। इस दिन को लेकर मान्यता है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने उनके घर आए थे। तब यमुना जी ने उनका तिलक कर स्वागत किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। साथ ही वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। यह माना जाता है कि जो बहन इस दिन यमुना जी की तरह अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक कर भोजन कराएगी, उसके भाई को यमराज अच्छे स्वास्थ्य व लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। तभी से भाई दूज पर यह परंपरा बन गई है। अच्छा, तो ये थी दीपावली महापर्व के 5 दिनों की कहानियाँ। इतने सालों से मैं तो बस राम जी के वनवास से लौटने वाली कहानी को ही दीपावली की कहानी के रूप में जानता था, पर यहाँ तो इतनी सारी कई मजेदार कहानियाँ निकली। आज तो बड़ा मजा आया, मैं अपने दोस्तों को भी कहानियाँ सुनाऊंगा। बिल्कुल सुनाना, आज के लिए बस इतना ही। इससे ज्यादा तो आपको एक साथ याद भी नहीं रहेगा, है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे सब कहानियाँ याद रहती हैं। और सुनाइए। और सुनाऊंगी, मगर अगले वर्ग में। आज के लिए बस इतना ही, मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद धन्यवाद।